हेलो बच्चों, मैं सोनू जांगी नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 6 का पाठ 16, रहीम के दोहे। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। तो रहीम के दोहे पढ़ने से पहले हम रहीम जी का कवि परिचय हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका कवि परिचय। अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 को लाहौर में हुआ था। इन्होंने किशोरावस्था से ही काव्य रचना करनी आरंभ कर दी थी। रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम सभी मिलते हैं। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, बरवे, मदनाष्टक, फुटकर छंद तथा पद। ये इनकी रचनाएं हैं। रहीम ने अपने अनुभवों को सहज और सरल शैली में लिखा है। गहरी से गहरी बात को भी इन्होंने दोहों में सीधी सादी भाषा में इन्होंने कहा है। इनका देहांत 1627 में हो गया था। तो बच्चों, ये था इनका कवि परिचय। अब इनके हम दोहे पढ़ना शुरू करते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सपसून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बच्चों, इसका अर्थ है कि रहीम कहना चाहता है कि कहता है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं होता, क्योंकि आटा जब हम गूंथते हैं तो वो पानी के बगैर सॉफ्ट नहीं होता, नरम नहीं हो सकता, और मोती का जो मूल्य है उसकी खूबसूरती उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी की तरह विनम्रता रखनी चाहिए। जैसे पानी विनम्र होता है तो उसी तरह विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं होता। पानी की विनम्रता के बगैर उसका कोई मूल्य नहीं होता। तो इसमें कवि रहीम ने ये सब कहा है। आगे हम दूसरा दोहा देखते हैं। शशि संकोच साहस सलील मान स्नेह रहीम, बढ़त बढ़त बड़ी जात है घटत घटत घटी सीम। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि चंद्रमा संकोच साहस जल सम्मान और स्नेह, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ते बढ़ते तो बढ़ती हैं बढ़ जाते हैं और घटते घटते घटने की सीमा को छू लेते हैं। अब दूसरा देख तीसरा दोहा देखते हैं हम। कदली कदली यानी केला, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि स्वामी नक्षत्र की जो वर्षा की बूंद होती है वो तो एक ही है, पर उसके गुण अलग अलग तीन तरह के देखे जाते हैं। कदली में पढ़ने से कहते हैं कि कवि उस बूंद का कपूर बन जाता है, और अगर सीप में वही पड़े तो उसका मोती हो जाता है। सांप के मुंह में गिरने से उसी बूंद का विष बन जाता है। जैसा संगत में बैठोगे वैसा ही परिणाम उसका होगा, मतलब कि हम जैसी संगत में बैठते हैं उसका परिणाम वैसा ही होता है, वैसा ही परिणाम मिलता है। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि समाज में उन पुरुषों का आदर होता है जो पुरुषार्थ से अर्जित, मतलब कि जो अपनी मेहनत से अर्जित उपलब्धियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे मनुष्यों की अंतरात्मा मर चुकी होती है जो मांग मांग कर पेट भरते हैं। जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान होते हैं। इसलिए हमें मेहनत करके ही सफलता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही पुरुषार्थ की जो अर्जित उपलब्धियां होती है वो मेहनत से ही निर्भर होती है। आगे देखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपीत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इसमें
कवि रहीम जी कहते हैं कि दीपक एवं कुल में जन्मा हुआ जो कपूत है वो दोनों का चरित्र एक समान ही होता है। पहले तो घर को रोशन कर देते हैं, परंतु जैसे जैसे वे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही अंधकार कर देते हैं। आगे देखिए छठा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है सर्वर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब जो है वो कभी अपना पानी नहीं पीता, उसी तरह सज्जन जो लोग होते हैं वो दूसरों के हित के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, इकट्ठी करते हैं। आगे दूसरा दोहा देखते हैं, धरती पर ही परत है शीत घाम अरु मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह है। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि जो धरती है उसमें कहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो उसे हमें सहन करना आना चाहिए, उसे सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही हमेशा सर्दी गर्मी और वर्षा पड़ती है, हर तरह के मौसम होते हैं इस धरती पर। यानी कि इस धरती को हमेशा शीत धूप और जो बारिश होती है वो सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को भी सुख और दुख हमेशा सहन करना आना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो उसमें हम, ताकि हम आराम से रह सकें, सुख दुख को, इस शरीर को सुख दुख सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं, एक सादे सब जाए रहीमन मूल ही सिंच बो फूल ही फल ही अघाय। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि एक को साधने से सब सद जाते हैं, और सबको साधने पर कुछ भी नहीं सबता, मतलब कि हमें एक बार में हमें एक ही काम करना चाहिए, और जब ज़्यादा एक से ज़्यादा हम बार बार में काम करेंगे अलग अलग तो वो कोई भी काम सही से नहीं होगा। कवि रहीम कहते हैं कि मूल के सींचने से पेड़ फलता फूलता है। इस दोहे का अर्थ यह है कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, सभी काम को एक साथ करने से कोई भी काम सही ढंग से पूरा नहीं होता है। आगे हम नवा दोहा देखेंगे, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी के बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी लग जाती है, यानी कि मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी जो इंसान होता है उसका शरीर भी सुशोभित रहता है। आगे हम आखिरी और दसवां दोहा हम देखेंगे, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठी लेहे लोग सब बांट न लेहे कोए। इसमें कवि रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर ही छिपाकर ही रखना चाहिए, दूसरों का दुख सुनकर लोग खुश तो भले ही हो लेते हैं लेकिन उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए दुख को हमेशा अपने मन में ही रखना चाहिए और अपने हमेशा मुख पर हंसी रखनी चाहिए, क्योंकि दुख तो सब आराम से सुन तो सब लेते हैं लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं होता, उसे कम करने वाला कोई नहीं होता। तो ये था बच्चों इनके दोहे। अब इनके जो कठिन शब्द है हम उनको देखेंगे ताकि उनको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इनके शब्दार्थ हम देखेंगे, कदली यानी केला, भुजंग यानी सर, तरुवर यानी वृक्ष, खात यानी खाते हैं, सखर यानी तालाब, पियही यानी पीता है, पर यानी दूसरे के काज यानी कि कार्य, हित भलाई, संचही एकत्र करते हैं, सुजान
यानी कि विद्वान, घाम यानी कि धूप, मूलही जड़ को कहते हैं, उपकारी भलाई करने वाले, बांटन वाले यानी पीसने वाला, निज यानी अपने, व्यथा यानी दुख, गोय यानी छुपाकर, अठी लेहे यानी बातचीत, कोय यानी कोय। तो बच्चों ये थे इनके शब्दार्थ। अब हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।